हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9 पार्ट सेकंड. ओके बच्चों, बिफोर पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने कल चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था. ओके, ईटिंग टुगेदर, यानी हम लोग कैसे हम लोग खाना साथ घर पे, जैसे आप लोग खाते हैं घर पे, एक ही डाइनिंग टेबल पे सब जने साथ में मिलकर खाते हैं ना डेली रूटीन में आपका. बट हम लोग कई बार क्या होता है, ओकेजन में भी हम लोग साथ में खाना पसंद करते हैं. ओके, इससे क्या होता है, आप लोगों जैसे चाहे वेडिंग का हो, चाहे बर्थडे पार्टी, या फेस्टिवल्स, पिकनिक वगैरह, कहीं भी कोई लार्ज नंबर की गैदरिंग होती है तो आपको बहुत मज़ा आता है. और हम साथ में सब जने मिल करके, आपके जितने भी रिलेटिव वगैरह हैं तो वो सब मिल करके एक साथ में खाना पसंद करते हैं. ओके, तो इसी तरह से आप देखिए कि अभी हमने इसमें पढ़ा था कि लंगर्स और भंडारा है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, जो सिख गुरुद्वारा वगैरह जो होते हैं वहाँ पे एक तरह से सब जने अपना डोनेशन देते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा लंगर यानी एक तरह का खाना परोसा जाता है. जो भी नीड पर्सन है उनको खाना खिलाया जाता है. ओके, लंगर्स वो कहलाता है. ऐसी भंडारे वगैरह हैं, भंडारे आप देखे होंगे कि आप अपने मंदिर वगैरह में, जैसे ज़्यादातर नवरात्रा वगैरह आता है या फिर कोई और जैसे कोई भी मेला वगैरह होता है, उसमें कई लोग अपनी इच्छा से भंडारा करते हैं, यानी भगवान का प्रसाद को आगे सब पीपल्स लोगों में बांटा जाता है ना. और या तो फिर रात में से जागरण वगैरह हो रहा है, कोई उनके घर पे कोई मतलब प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, तो वो अपनी खुशी से उसका प्रसादी करवाते हैं ना. जैसे आपने देखा होगा कि कोई भैरव जी का प्रसादी करा रहा है, कोई देवी का प्रसादी करा रहा है, कोई अपने पूर्वज जो होते हैं उनका प्रसादी करवा रहा है, मतलब कोई ना कोई ओकेजन से एक तरह का भंडारा दिया जाता है ना. उसमें फ्री ऑफ कोर्स होता है, सब अपनी इच्छा से अपना उसमें कोई अनाज देता है, कोई पैसा देता है, अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोग. ओके, शेयरिंग द प्रमोट ऑफ द इक्वलिटी और डोनेशन वगैरह, इसमें मतलब सब अपने अपने शेयर करते हैं कि भाई मैं आटा दाल चावल कुछ भी दे सकता हूँ, मैं पैसे दे सकता हूँ. इस तरह से ये भंडारा सब जगह प्रसाद ही पहुँचाई जाती है. ओके, अब हम लोग करेंगे आगे चैप्टर सेकेंड पार्ट इसका, ईटिंग टुगेदर इन स्कूल. आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे क्या सीखते हैं, स्कूल में आकर के एक दूसरे शेयर करना सीखते हैं, है ना, खाना खाते हैं एक साथ में. और जो उनको जिसको जैसे आपने अपने अपने लंच बॉक्स खोलते हो, किसको क्या पसंद है, सब एक दूसरे को शेयर करते हैं कि आपको ये पसंद है, लो आप ये मेरा खाना ले लो, है ना. आप उनका खाना लेते हो, वो आपका खाना लेता है, इस तरह से आप शेयरिंग करना सीखते हो. ओके, तो चलिए आप, और ड्यूरिंग ए लंच टाइम डू यू लाइक टू सीट टुगेदर एंड हैव योर फूड विद योर फ्रेंड्स, डू यू सम टाइम शेयर योर फूड with them in a many school of the midday meal is served free to the students. Students get the milk, fruits, biscuits and ready-made food such as aloo puri, vada, idli, etc. As a midday meal, the midday meal has a many advantages to provide the nutritious food of children. Children learn to eat together, create harmony and among the children or develop the sense of sharing. ठीक है, अब आप देखिए मिड डे मील क्या होता है, ज़्यादातर मोस्टली गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं, उन लोगों को सही सफिशियंट खाना जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है ना. एक तरह से उनको कुपोषण कहते हैं, जिसका मतलब उनके शरीर में किसी किसी चीज़ की कमी पाई जाती है, विटामिन है, मिनरल्स है, कई चीज़ों की कमी होती है. तो एक तरह से गवर्नमेंट ने ये फॉर्मूला रखा है आजकल कि मिड डे मील बच्चों को दिया जाए. जो गांव के बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में कौन होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चों को ना तो फ्रूट्स मिलता है टाइम पे, ना कोई मिल्क वगैरह खाते हैं, चलो बटर वगैरह है, घी वगैरह है, तो उन लोगों को नहीं पहुंच पाता. ज़रूरी नहीं है खेती बाड़ी वाले सारे अमीर होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खेती बाड़ी वालों के यहाँ पे काम करते हैं और उनके बच्चे इन चीज़ों से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो लोग कुपोषण से के शिकार होते हैं, यानी उनका शरीर देखना बहुत दुबला पतला होगा, बिल्कुल हड्डियाँ दिखाई देती हैं. इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील का अनाउंस किया है कि मिड डे मील में हर डेली रूटीन में उनको हर एक चीज़, जैसे एक दिन फ्रूट दिया जाएगा, एक दिन को मिठाई दी जाएगी, एक दिन को पनीर से बनी चीज़ें दी जाएगी, एक दिन को दाल से बनी चीज़ देंगी, यानी पूरे वीक उनको डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज दी जाएगी, जिससे उन लोगों का शरीर में किसी चीज़ का कमी ना हो सके, उनको पोषण पूरा मिल सके. ओके, उनको यहाँ तक भी मतलब दूध वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाता है, बटर है, दूध है, और ये पनीर वगैरह है, ये सब चीज़ उनको इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको पूरा न्यूट्रिशन मिल सके. ओके, अब आप देखिए इधर, ड्यूरिंग अ लंच टाइम डू यू लाइक टू सिट टुगेदर एंड हैव योर फूड विद योर फ्रेंड्स,
ये सभी सभी जगह देखती हूँ मैं बच्चों को लंच टाइम में, सब एक पूरा एक ग्रुप बना करके एक साथ खाना पसंद करते हैं, है ना। डू यू समटाइम्स योर फूड विद देम, और वो लोग क्या करते हैं अपना अपना फूड शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। इन मैनी स्कूल और कई स्कूलों में क्या होता है, मिड डे मील इज द सर्व फ्री टू द स्टूडेंट्स, ताकि मिड डे मील या गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री ऑफ कोर्स दिया जाता है स्टूडेंट्स गेट। उसमें क्या क्या मिल रहा है उनको, मिल्क है, फ्रूट एंड बिस्किट्स है, और रेडीमेड फूड वगैरह है, आलू पूड़ी वगैरह। अभी सब जैसे रेडीमेड एक बार मतलब मॉर्निंग टाइम पे या तो स्कूल में बनवाया जाता है या फिर बाहर से प्रोवाइड करवाया जाता है उनको। ओके, आलू पूड़ी, वड़ा, इडली वगैरह, जैसे मतलब चावल वगैरह सब चीज़ उनको दी जाती है एज ए मिड डे मील, उस मिड डे मील के अंदर। ओके, द मिड डे मील हैज़ मैनी एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज है उनके मिड डे मील से, बेचारे कई बार उनके पेरेंट्स से उनके लिए नहीं बना पाते, मॉर्निंग टाइम पे स्कूल भेज दिया उनको, भूखे पैसे सीधा बैग उठाया और चल देते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि उनके मम्मी पापा खेती बाड़ी वाले होते हैं, वो अपने रोजगार पे चले जाते हैं और बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, और वो बच्चा सुबह से जैसे भूखा पैसा होता है तो एक उसको सहारा मिलता है मिड डे मील से, क्या होता है उसको खाना पीना मिल जाता है, तो एक लालच आता है कि चलो यार स्कूल में उसको खाना मिलेगा तो स्कूल आना पसंद करता है। अदरवाइज अगर जैसे स्कूल में उनको ये लालच नहीं दिया जाए तो स्कूल में आना भी बंद कर देंगे। तो एक ये एडवांटेज भी है कि भी उनको मिड डे मील के थ्रू उनको पढ़ाया भी जाए, उनको शिक्षित किया जाए और उनको कुपोषण से होने से बचाया जा सके। ओके, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फूड टू अवर चिल्ड्रन, ताकि उनको अच्छा सा न्यूट्रिशन मिल सके बच्चों को। चिल्ड्रन लर्न टू ईट टुगेदर, और वो साथ में जैसे आप भाई गाँव के बच्चे क्या होता है साथ में रहना, केवल घर घर देखा होता है उन्होंने, है, और दूसरी तरफ उन्होंने आसपास के बच्चों के साथ में कभी शेयर करना नहीं सीखा है, तो उनके जब पेरेंट्स लाते हैं तो स्कूल में वो लोग क्या सीख रहे हैं, शेयर करना भी सीख रहे हैं। लर्न टू द ईट टुगेदर, साथ में बच्चों के साथ में खाना खाना, क्रिएट द हार्मनी अमंग द चिल्ड्रन एंड डेवलप द सेंस ऑफ शेयरिंग, और इन जैसे उनकी कई चीज़ों की उनको मैनर्स सिखाया जाता है, हर तरह से कैसे बच्चों के साथ रहना है, कैसे बच्चों के साथ खाना है, उठना बैठना, हर सेंसेस उसको सेंस का पता होना चाहिए कि मैं क्या कैसा टेस्ट आ रहा है, कैसे किस चीज़ से, है ना, ठीक है। तो इस तरह से उनको मिड डे मील से बहुत सारी चीज़ें मैनर्स वगैरह सिखाया जाता है। ओके, द मिड डे मील स्कीम ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, ये मिड डे मील का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका एक चलन चलने लगा है, ताकि बच्चों को अच्छे सा खाना प्रोवाइड कर सकें। और तमिलनाडु मिड डे मील प्रोग्राम्स हैज सक्सीड इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स द प्राइमरी क्लासेस। अब क्या होता है जैसे तमिलनाडु वगैरह है जो वहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे से जो मिड डे मील रखा गया है, मील का प्रोग्राम रखा गया है, जो रिड्यूस ऑफ द रेट जो बच्चों का रिड्यूस हो रहा है, बच्चे जो स्कूल नहीं आना पसंद करते थे तो वो लोग अपना मतलब किसी ना किसी कारण छोड़ देते हैं, या तो घर के कामकाज के कारण छोड़ देते हैं, या फिर उनको मतलब घर के बच्चों के साथ देखभाल करने के लिए, जैसे बड़ा भाई बहन है तो उसको अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए इसलिए स्कूल नहीं भेजते वो लोग। तो इन लोगों ने एक ये मिड डे मील का एक चलन रखा है, ताकि बच्चों को ये लालच दे सके और वो अपने स्कूल वापस से ज्वाइन कर सकें। ओके, आगे देखिए आप इधर पिक्चर देखिए आप इधर कैसे ग्रुप में कितना अच्छा लगता है ग्रुप में मील करना, फूड वगैरह खाना, देखिए आप इधर ईटिंग टुगेदर, ये सारे अपने लेडीज वगैरह के साथ में अपना खाना डाइनिंग टेबल पर अपना खाना ले रहे हैं, है ना। आगे देखिए इधर, ये देखिए आप इंडियन ट्रैवल, हमारे जो आजकल गवर्नमेंट ने ये सुविधा भी दे दी है कि अगर बाय द वे कोई लंच लाना भूल रहा है या कुछ है तो अगर उसको भूख वगैरह लग रही है तो ट्रेन में भी ये सुविधा दे दी गई है ना, तो उसमें ट्रेन में भी आपको सारा खाना अवेलेबल होगा उसमें। ओके, आप बस पैसा दीजिए और आपको गर्म खाना वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे एक ट्रेन में एक कैबिन होता है जिसमें किचन बनी होती है, ये सभी चीज़ वैसे मोस्टली एरोप्लेन वगैरह में भी है। आगे देखिए आप उधर, ये देखिए आप, ये प्लेन वगैरह में भी आपको खाना वगैरह सब पूरा एक डाइनिंग टेबल लगा होगा और पूरा सबको सर्व किया जाता है एक साथ का खाना, ये देखिए इधर आप, ठीक है, देखिएगा इधर पूरा प्लेन के अंदर सब अपने अपने टेबल्स पे बैठे हुए और वहाँ पे उनका फूड वगैरह रखा हुआ है ना, और प्लेन आराम से चल रहा है, आराम से जो भी कुछ लोग यात्रीगण वगैरह हैं वो सब अपना भोजन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, ईटिंग टुगेदर इन अ डाइनिंग मेस, अब आप देखिए कि सभी जगह आर्मी एरिया है वहाँ पे मेस वगैरह होता है खाने का, क्योंकि वो लोग बहुत लंबे टाइम तक के लिए आर्मी लोग अपना वहाँ पे स्टेबल रहते हैं वो लोग, है ना, अपने जॉब के चक्कर में, तो उनको खाना घर का खाना कैसे अवेलेबल करवाया जाए बॉर्डर्स वगैरह पे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेस होता है, उस मेस में डेली अलग अलग टाइप का खाना बनता है,
यहाँ पे देखिए इधर मेस में सभी लोग अपना खाने का आनंद उठा रहे हैं, ईटिंग टुगेदर इन अ डाइनिंग मेस। मेस में देखिए आप कैसे खाना खाया जाता है। अब बॉर्डर्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेज ईट इन द डाइनिंग मील्स डाइनिंग मेस और देयर हॉस्टल्स ईटिंग टुगेदर हेल्प देम टू गेट नाउ ईच अदर एंड ओवरकम द डिफिकल्टीज दे फेस लिविंग अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। चिल्ड्रन ईट न्यूट्रिशंस मील्स डेट आर द सिमिलर टू द फूड कुक एंड एट देयर होम्स। ओके, अब आप देखिए ज़्यादातर ये तो बॉर्डर्स जैसे स्कूल्स वगैरह ये कॉलेज वगैरह जो आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खुले हुए हैं जो अधिकतर बॉर्डर वहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल सिटी से बाहर रहते हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए भी खाने वगैरह का पूरा प्रबंध करवाया जाता है, डाइनिंग मैस होता है उनका पूरा एक हॉस्टल के अंदर, और वो सब ईटिंग टुगेदर हेल्प देम टू नो ईच अदर, और इस तरह से एक दूसरे की पहचान भी होती है। एक साथ वो लोग खाना वगैरह मैस में आके खाना वगैरह खाते हैं। डिफिकल्टी जो भी उनको प्रॉब्लम्स है द फेस लिविंग अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, क्योंकि वो हॉस्टल वगैरह कॉलेज वाले चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली से दूर रह करके 3 साल 4 साल 5 साल अपना जो कॉलेजिंग कर रहे हैं तो उन लोगों को अपना घर का घर से इतना दूर होकर के कोई डिफिकल्टी ना हो, इस वजह से ये लोग क्या करते हैं पूरा एक मैस बनाते हैं। मैस के अंदर इनको सभी तरह का खाना प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, तो लिविंग अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज चिल्ड्रन ईट द न्यूट्रिशन मील्स और उनको न्यूट्रिशन फूड भी मिलता है, क्योंकि मैस वाले क्या करते हैं इनसे एडवांस पैसा ले लेते हैं, उस पैसे से ये लोग पूरा न्यूट्रिशन उनको देते हैं, मिल्क वगैरह जैसे मिल्क के टाइम में मिल्क देते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम में ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह सब ये ओनली मैस में होता है। बच्चे अपने कमरे से आते बाहर और मैस में आके ये सब खाना लेते हैं ताकि उनको पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। सिमिलर फूड कुक एंड देयर होम्स और क्या करते हैं अपने अपने जो घर से आए हुए हैं उनको पूरा अपना हर तरह का न्यूट्रिशन उनको मिल सके उस मैस में। ओके, अपन दे enjoy the exchanging dishes with each other so that they get to eat the favorite items. Okay, different personnel eat the food together in the dining mess every day. They have a fixed meal to for each day of the week. Okay, अब आप देखिए कि क्या करते हैं enjoy the exchanging dishes क्योंकि उनको बहुत ही मजा आता है कि वहाँ पे अलग अलग रोज उनकी अलग अलग डिशेज तैयार होती हैं, ना कि एक सा खाना मिलता है उनको ईच अदर सो डैट दे गेट द ईट द फेवरेट आइटम और उनकी फेवरेट आइटम जो है उनको वो पसंद आते हैं उस मैच के अंदर। और डिफेंस वगैरह है जहाँ पे आर्मी एरिया वगैरह है वहाँ पे क्या होता है प्रेसिडेंट द ईट फूड टुगेदर इन द डाइनिंग मैस एवरी डे। जो वहाँ पे वहाँ का क्रमिक है जो वहाँ पे जो डिफेंस में काम करने वाले हैं तो उनको एक साथ में खाना मैच में एवरी डे खाना दिया था, तो दे हैव टू फिक्स मील टू ईच डे ऑन अ वीक। उनका एक फिक्स डे रहता है कि आज मटन बनना है, आज चिकन बनना है, आज एग बनना है, ये क्या बनना है, तो सारा उनका एक फिक्स टाइम टेबल फिक्स रहता है, उस अकॉर्डिंग डेली वो खाना उनको मिलता है आर्मी एरिया वगैरह को। ओके, आगे देखिए आप ईटिंग टुगेदर व्हाइल ट्रैवलिंग। अभी आपको मैंने बताया था कि ट्रैवलिंग में देखिए आप कैसे खाना परोसा जाता है, बिल्कुल कि आप लोगों को जरा भी एहसास नहीं होगा कि हमें उठ के कहीं जाना है, क्या आपके जो चेयर्स लगी रहती है प्लेन वगैरह में वहीं पे आपके पास पे जो हॉस्टल वगैरह हैं वो आपके लिए खाना प्रोवाइड कर देती है वहीं पे। ओके, ये देखिए आप ट्रेनों में भी सेम आपको पूरा अच्छे से आपको आपकी कैबिन में आपके लिए खाना लाया जाएगा, पूरा अच्छे से परोसा जाता है। ओके, चलिए देखिए वी ईट द फूड टुगेदर व्हाइल द ट्रैवलिंग इन द ट्रेन एंड द एरोप्लेन। हम ट्रेन में या एरोप्लेन में कहीं भी सफर करते हैं एक साथ में तो हमें खाना भी वहाँ पे एक साथ में दिया जाता है। अभी फूड टुगेदर वाइल ड्राइविंग चाहे हम सफर कर रहे हैं या कुछ भी है तो हमें एक साथ में भोजन करना होता है। एयरलाइंस मेक एवरी एफर्ट टू सी डैट देयर कस्टमर आर द कंफर्टेबल एंड हैप्पी। अब एयरलाइंस वाले जो होते हैं एयरप्लेन में जो जा रहे होते हैं तो जो उनके वो होते हैं एयर होस्टेज होती हैं वो पूरा अपना जो कस्टमर है उसका पूरा ख्याल रखती हैं, है ना, उनको अच्छे से कम्फर्टेबल गोइंग है या नहीं है, पूरा उनको अच्छे से वो खुश है या नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दी ऑफर द मेन्यू कार्ड तो उनके लिए मेन्यू कार्ड लेकर आते हैं विद द चॉइस ऑफ द मील टू अ पैसेंजर। उनकी जो एयरप्लेन में जो जाने वाली यात्री हैं उनके लिए उनका मेन्यू चार्ट दिखाते हैं और उनको उनके हिसाब से उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनके लिए मील तैयार होता है। ओके, इन द इंडियन ट्रेन, अब आप नीचे पिक्चर में देखिए इंडियन ट्रेन में भी कॉमन किचन होती है इज कॉल्ड अ पेंट्री कार्ड। ठीक है, एक अलग से कैबिन बनाता है उसमें ही कॉमन किचन बनी होती है उसे पेंट्री कार्ड कहते हैं। An attendant goes the passenger and asks if they would like to order food. और क्या करते हैं वहाँ पे
जो है वहाँ पे अटेंडेंट करने वाला है, जो किचन में अटेंडेंट करते हैं जो पैसेंजर्स को, वो हर पैसेंजर के पास जाके पूछता है इफ़ यू वुड लाइक टू आवर ऑर्डर, आप अपना ऑर्डर करना चाहेंगे, तो ही प्रोवाइड द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन। तो आपको दोनों ही चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे, ओके। जैसे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, वो दोनों फूड आपको अवेलेबल होंगे वहाँ पे, ओके। एंड नोट डाउन द फूड चॉइस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस गिवन, द फूड इज सर्व इन ए स्मॉल फॉइल कंटेनर्स फ्रॉम द पेंट्री कार्ड। अब ये क्या करते हैं, दिस इज उनका ऑर्डर लेकर के फिर उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको एक उसमें सर्व करते हैं स्मॉल फॉइल के अंदर, एक पूरा थाली होती है उसको पूरा सा कवर करके, और कंटेनर के साथ में उनको पेंट्री कार्ड से वहाँ से खाना दिया जाता है। ऑन द राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस, मोस्टली कौन सी ट्रेन में है, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रेन में, फूड इज इंक्लूडेड इन द फेयर एंड सर्व इट द सीट। वो आराम से उनको अपनी सीट पे ये सारा फूड अवेलेबल हो जाता है, उनको जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो पेंट्री कार्ड में जो अटेंडेंट है वो उनका ऑर्डर लेकर के उनको पूरा अच्छे से थाली पूरा कवर करके उनको पूरा फाइल के साथ में कंटेनर के साथ में उनको खाना वहाँ पे दिया जाता है, ओके। इस वजह से मतलब हम लोग घर से लेकर के बाहर तक ईटिंग टुगेदर कर सकते हैं, एक साथ में हमें खाना मिलता, एक साथ में हम ज्वाइन कर सकते हैं खाने को, है ना। जैसे ट्रेन में है, एयरप्लेन में है, घर में है, या कोई ऑपरेशन में है, सब जगह हम ईटिंग टुगेदर करते हैं, ओके। तो हमें अच्छा भी लगता है खाने एक साथ खाना खाने में। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज इंजन टाइम देखिए। अब आप ये देखिए, आप प्लेन में एरोप्लेन में कैसे मतलब खाना सर्व किया जा रहा है, ठीक है। ये ट्रेन के अंदर है, ट्रेन में सेम ऐसे ही है, आपको पूरा फाइल के अंदर और उसके बाद आपको पूरा कंटेनर के साथ में आपको खाना दिया जाएगा, ओके। ये देखिए आप इधर कितने अच्छे तरीके से खाना दिया जा रहा है उनको, पूरा एक ट्रे के साथ में पूरा अलग अलग उनका फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ओके। अब हम चलते हैं रिविजन टाइम में, ओके। रिविजन टाइम में देखिए आप इधर, ईटिंग टुगेदर डेट द स्टार्ट इन अ फैमिली। हम लोग कैसे ईटिंग टुगेदर कैसे करते हैं, घर से डाइनिंग टेबल से, है ना। हमारी जो फैमिली है सब एक साथ खाना पसंद करती है डाइनिंग टेबल पे, ओके। ताकि पूरा दिन भर की जो हमारी गॉसिप है, जो हमारी बातें हैं, हम एक दूसरे शेयर करते हैं डाइनिंग टेबल पे, शेयर कर सकते हैं ना। क्योंकि अदरवाइज सुबह आप लोगों को टाइम नहीं है, शाम को पापा को टाइम नहीं है, तो सब एक खाने के टाइम पे हम लोग एक साथ मिल करके अपना कोई भी बात इसको शेयर कर सकते हैं। इसलिए ईटिंग टुगेदर स्टार्ट इन अ फैमिली, हम लोग घर से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर दे आर ए पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द कम्युनिटी। हमारी सभी जगह ये एक पार्ट है कि हम सब एक साथ मिलकर के भोजन करें। हर जगह देखिए आप, कहीं भी एक कम्युनिटी बनी हुई है, हर जगह कुछ ना कुछ, कहीं लंगर बना हुआ, कहीं भंडारा बना हुआ है, कहीं प्लेन में है, कहीं तो मतलब एक साथ मिलकर के खाना खाने में जो मजा है वो अकेले खाने में नहीं होता है। जैसे स्कूल में आपको कितना मजा आता है, एक साथ आप लंच वगैरह करते हैं बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में एक ग्रुप बना करके, ओके। द पीपल फीस्ट ऑन मैनी स्पेशल ओकेजन सच इज वेडिंग एंड फेस्टिवल्स। इस वजह से क्या होता है कि कोई भी हमारा वेडिंग फेस्टिवल है या कोई ओकेजन है, उसमें हमारे अलग से फीस बनता है ना। उस वजह से क्या आपने देखा होगा कि इसमें तमिलनाडु में सॉरी ओनम में एक उनसादिया टाइप का भोज बनता है, यानी जो उनका फर्स्ट फसल जो होती है उनसे पूरा मिला के सारे अनाज को मिला करके एक फिश बनता है, वो उनके ओनम के टाइम में बनता है। ऐसी तो ऐसे कोई भी हमारा ओकेजन होता है उसमें हम लोग बहुत अच्छे से शादी ब्याह वगैरह कुछ भी कोई ओकेजन है उसमें हमारे लिए अलग अलग डिशेज बनती हैं, ओके। इन अ बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स ईट टुगेदर इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ द हॉस्टल मेस। ऐसे ही आप देखते होंगे कई बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, कई कॉलेज के बच्चे भी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो उनके लिए एक मैस बनी होती है ताकि बच्चा पूरा उसको फुलफिल खाना मिल सके, है ना, उसको सब तरह का न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको पैसा फीस वगैरह में देते हैं, तो उनको खाना भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए, ओके। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स और उनका एक लार्ज ग्रुप में एक तरह से मैस में ये एक ग्रुप में खाना खाते हैं वहाँ पर, ओके। अब मिड डे मील इज अ गवर्नमेंट स्कीम that it provide full lunch meal to a student in a school. अब आप देखिए मिड डे मील, अभी आपको मैंने आपको बताया था कि मिड डे मील गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया ताकि सभी बच्चे स्कूल में न्यूट्रिशन फूड खा सकें, अच्छे से खाना खा सकें और स्कूल में आके पढ़ सकें। तो वो उनका एक तरह से लालच दिया गया ताकि वो स्कूल में आएंगे खाना खाने के बहाने और थोड़ी देर स्टडी कर पाएंगे।
और उनके पेरेंट्स भी फ्री रह पाएंगे कि हाँ हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छे सेटल है, आराम से स्कूल जा रहा है, खाना मिल रहा है उसको आराम से, वरना अदरवाइज क्या होता है वो अपने बच्चों को ढंग से देख नहीं पाते और अपने काम में बिजी रहने के कारण उनके बच्चे भी अनपढ़ रहते हैं, पढ़ नहीं पाते। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है ओके कि हर स्कूल में मिड डे मील दिया जाए। सारे पूरा अपने इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अब ये चलने लगा है कि मिड डे मील सभी स्कूलों में दिया जाता है ओके। उसमें सारे मंडे से लेकर पूरा सैटरडे तक का हर तरह का अलग अलग फूड दिया जाता है ताकि बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके ओके। तो स्टूडेंट्स इसका आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा, चैप्टर रीड करिएगा, उसके बाद आप इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको दूंगी, तो आप अच्छे से इसको करिएगा ओके। थैंक यू।